टकराएगा। असल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमलावर को गिरफ्तार करो, बागमारा के मोहलीडी पंचायत समिति सदस्य डेको लाइजनिंग अधिकारी मोहम्मद इशराफिल को मिली धमकी और बस्ती में उन्हीं अपराधियों द्वारा किया गया बमबाजी कांड अब सिर्फ किसी एक की समस्या नहीं रह गई, अब यह ग्रामीणों ने भी इसे एक बड़ी समस्या मान लिया है। ग्रामीणों का यह मानना है कि करीब 200 वर्षों की इस बस्ती में आज तक इस तरह की आपराधिक वारदात नहीं हुई, पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की सुस्ती का यह परिणाम है जो आज यह घटना घटी। जबकि कई दिनों से मोहम्मद इशराफिल को प्रिंस खान द्वारा रंगदारी को लेकर धमकी दी जा रही थी, आज ग्रामीण इस मसले को लेकर गोलबंद होते दिखे और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए स्थानीय पंचायत प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद आजाद के नेतृत्व में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाला। रैली में स्थानीय ग्रामीणों का हुजूम, हाथों में मसाल लिए शामिल हुआ और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। इस रैली के माध्यम से बमबाजी में शामिल अपराधियों और साजिशकर्ता प्रिंस खान की अविलंब गिरफ्तारी और धमकी के भुक्तभोगी अपने जनप्रतिनिधि की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से बॉडीगार्ड की मांग ग्रामीणों ने किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक हम सब उग्र आंदोलन के माध्यम से जिले भर में पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी जाएगी, साथ ही सूबे के मुखिया को भी घेरा जाएगा। रैली निकाली गई है, जुलूस है, क्या कुछ उद्देश्य क्या? ये जुलूस जन आक्रोश रैली है, कहीं ना कहीं हमारे मोहलीडी पंचायत के माननीय पंचायत समिति सदस्य अभी हैं मोहम्मद लाला उर्फ इशराफिल जी, आज विगत एक महीना इनकी बेटी के शादी से पहले से कभी अमन सिंह का फोन आके धमकी देता है, कभी कोई गैंगवार अभी नया निकला है वो फ़ोन करके धमकी दे रहा है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोग बहुत ज़्यादा रुपया नहीं कमाए हैं, हम लोग मेहनत करके अपने एकदम ज़मीन से उठ के यहाँ तक आए हैं। तो निश्चित रूप से कल जो रात में वो हद पार किया है, मेरा गांव में घुस के पूरे मेरे गांव के ग्रामीण दहशत में है, जब बम आखिर कौन फोड़ा 4 बजे भोर, और एक शरीफ आदमी के दीवार में बम मार के वहाँ पर्ची गिरा के गया है और खुलेआम जिला प्रशासन को चुनौती दे रहा है जब हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं रहेगा। तो जिला प्रशासन से इतना ही मेरा अनुरोध है जो जो रात में हमला किया है उसको 8 दिन के अंदर गिरफ्तार करे, और हमारे पंचायत समिति को जो बार बार धमकी मिल रहा है उनको जिला प्रशासन तुरंत हो सके तो आज से या कल से कम इनका जान माल का इनका परिवार को देखते हुए इनका बॉडीगार्ड सुरक्षा मुहैया कराए, अन्यथा अगर कोई बात अगर हो गया तो जिला प्रशासन को ही मीडिया के माध्यम से हम लोग सचेत कर देना चाहते हैं जब अगर कोई किस्म का घटना हुआ और बॉडीगार्ड नहीं मिला तो बता दे रहे हैं जब मुख्यमंत्री का आवाज़ तो घर में करेंगे हम लोग, लेकिन पूरा जिला में वो हालात कर देंगे जी, प्रशासन को कारफू लगाना पड़ जाएगा, ये हालत कर देंगे अगर सरपंच साहब को अगर सब कुछ हो गया। मोहलीडी में कहा जाए तो इस तरह की घटना खासकर तो बस्ती हमारे आज 200 वर्षों से हम लोग छठा पुत है, आज तक कभी बमबाजी मेरा गांव में घुस के हम लोग दुख सुख में सबका एक दूसरे का काम आने वाले हैं, और हमारे गांव में अगर खुशी में साथ दे या ना दे लेकिन दुख होगा तो एक घर का बच्चा घर में नहीं रहेगा, वो उसके साथ खड़ा रहता है। कल रात में जो घटना हुआ है किस्मत उसका ठीक था, हमारे ग्रामीण दौड़ाए हैं 4 बजे भोर, वो जान बचा के भागा है ततुलमारी की तरफ। तो जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं जो उनको गिरफ्तार करे, इनके पीछे जिनका जिनका हाथ है हमला कराने में उनको गिरफ्तार करे, और हमारे सरपंच साहब को जितना जल्दी हो इनको बॉडीगार्ड मुहैया कराए, क्या अभी इनका शादी हुआ है बेटी का तो दामाद को धमकी दे रहा है, तो पूरा परिवार दहशत में है, लेकिन गाँव लड़ने से हम लोग बाज नहीं आएंगे, अगर आर पार के लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना तो गैंग जहाँ का होगा ना वहाँ जाके हम लोग खपड़ा झाड़ देंगे, ये मेरा एकदम क्लियर।